हेलो 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 हेलो, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बहुत तसल्ली से बैठी हूँ अपने रूम में, एंड यस दिस इज़ माई रूम, पर्पल पर्पल वाइब्स एंड आई बी लाइक। तो पहले बात, मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगी, जो लोग चाहते हैं मैं सबके रिव्यूज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, एंड वो इम्प्लीमेंट करने का पूरा ट्राई करती हूँ। सो मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ पूरा कम्प्लीट एक ही स्लॉट में होगा, क्योंकि आज मैं घर पर हूँ। सो आई एम थिंकिंग टू मेक द वीडियो वेरी नाइसली, टेंशन के साथ, क्योंकि जब बाहर जाओ ना, कैमरा कभी नहीं निकलता, कभी स्पेस इशू, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये बनेगा, और इतने लोगों की फरमाइश थी। क्योंकि इस वीडियो का टाइटल क्या था, क्या था, हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। यस, काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी स्टडीज, अपना अगर ट्यूशन होगी, ऑफिस वर्क, भाव एक्सप्रेस का, खुद का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, प्रमोशन, क्रिएटिव कंटेंट, ब्ला 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 ब्ला। आज मैं आप सबको वो सब राज बताऊंगी जो मैं अपने दिल में रखती हूँ। दिल तो मेरे पास है नहीं, जो राज रखे हैं दिल के अंदर अपने। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? एंड मुझे पता है आप सोचो मेरा माइक कहाँ पे, मेरा माइक मैंने अपने फ्रेंड को दिया हुआ, क्योंकि ही नीड इट। कोई बात नहीं, मेरा संगा बहुत ज्यादा बड़ा। सो आज मैं तसल्ली से 3-4 मिनट से रिकॉर्ड करके रहूंगी, अलग अलग कपड़े पहन के। दिस इज अ स्ट्रैटेजी, फर्स्ट थिंग तो यही होती है कि समटाइम यू थिंक हमने अलग अलग दिन पर शूट किए होते हैं, जबकि क्या पता मैं इसी मेकअप पे ही कपड़े जिनके नेक्स्ट डे बना दूँ। दिस इज नॉट अ बैड थिंग भाई, टाइम किसके पास इतना होता है, टाइम इज प्रीशियस एंड टाइम इज मनी, पैसा 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 पैसा। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको नोट डाउन करना है, अगर आप सोचते हो कि आपको कैसे मैनेज करना है आपका सब कुछ काम। ये नहीं कि आप यूट्यूबर तो वैसे करो, क्या पता जॉब करते हो, बिजनेस हो आपका, बट एवर आपको चीज़ आप मैनेज करना सीख जाओ। पहली बात, आपको जिंदगी में चाहिए गाइडेंस। यस, किसी की गाइडेंस पे भरोसा नहीं करना, पेरेंट्स की भी नहीं करना गाइडेंस, आपको अपने विल पे जान देना। मेरी विल तो बहुत स्ट्रांग थी और अच्छी थी, तो मैं यहाँ पहुंच गई, बाकी तुम्हें भी खुद की विल ढूंढनी पड़ेगी। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन होगा तो ही ये चीज कर पाओगे, वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीधा जवाब, दिस बुरा लग रहा, लगना चाहिए, बट सच बोलती हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो कुछ ज्यादा ही बोली मैं। ओके, सो फर्स्ट यू नीड अ डायरी, समझ लगी? नहीं है तो पेज ले लो, एक पेन 3 रुपए का ले लो। सो आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, एंड यू हैव टू मैनेज थिंग्स। ओके, अब जैसे कि मैं आज वीडियो बनाने लगी हूँ, तो मुझे पता मुझे क्या क्या करना है। मैं हमेशा अपनी डायरी में बताती नहीं, पर्सनल चीजें होती है, बट स्टिल तुम लोग अपनी फैमिली हो। ओके, सो फ्रॉम 8 फेब आई एम मेंटेनिंग दिस डायरी, कि मुझे वेव मॉल में एक इवेंट कंडक्ट करना है, फिर मुझे प्रपोज डे का ब्लॉग ये फेब महीने का, यू कैन सी 8 फेब अगर दिखा तुम लोगों को, एंड मुझे थंबनेल बनाना है मगले शॉपिंग कर। तो मैं ये प्रायोरिटी वाइज लिखती हूँ कि मेरा बहुत 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 मेन काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग करती हूँ, देन आई कीप डूइंग दिस थिंग सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करोगे तो ठीक से रहेगा। कभी कभी होता है ना, हाँ नहीं जाना, मन नहीं करा सडन से, कभी कभी कुछ काम हो जाएगा, मना नहीं कर सकते, आपको करने ही करने होते हैं, तो उसके लिए आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रख लो। अब मुझे पता है कि मुझे दिन में व्लॉग डालना ही डालना है, कभी कभी नहीं डालने का मन करता, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, कोई बात नहीं, पब्लिक कैन वेट फॉर यू। कर लोगे ना, समटाइम्स काम वाम होता है, कभी बीमार हो सकते हो, बाहर हो सकते हो। सेकेंड चीज, स्केड्यूल करना चीज़ों को। यस, जैसे कि मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे नहीं होंगी और व्लॉग नहीं आ पाएगा, मैं स्केड्यूल कर देती हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी। यस, क्रिएटिव माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंटेंट कहीं पे भी आए दिमाग में, कुछ भी कंसेप्ट है उसी वक्त बनाओ, चाहे आप अजीब से कपड़ों में क्यों ना, घर के नाइट में मैं ऐसे करती हूँ, और जरूरी क्या, मेकअप करने के बाद का वीडियो वायरल जाता है, मेरा 6 मिलियन चला गया, वो क्रिंज सा लगता है मुझे, तो मैं कुची कुची क्यों कर रहा था, तो वायरल हो गया। ठीक है, अपने कंटेंट में जान भरो और किसी को कॉपी ना करो, अपने पे फोकस करो, कोई आपको बोले ये गाने पे बनाओ, उस गाने पे बनाओ, छोड़ो। एंड मेन चीजें, शेयर मत करो बेफालतू सबको, लाइक शेयर कमेंट करो, ये भिखमंगी नहीं करनी, ये भिखमंगी करो तो भिखमंगी पे रहोगे तुम लोग, बिना मजाक के कह रही हो, अंटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट ना हो मत करो। ओके, सो मैं डेली डे की बात करूँ, सो मैं कॉलेज जाती हूँ प्रॉपर तरीके से, अपना इंस्टा अपडेट करती हूँ, मैं अपना व्लॉग एक ही दिन में सब एडिट कर देती हूँ, सारे व्लॉग्स एक दिन बाहर में कर देती हूँ, ताकि मुझे आगे टाइम बच जाए। अभी व्लॉग मैं बना रही हूँ, इसको मैं एडिट कर दूंगी, एडिट करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं फैंसी वैसे कर दूंगी, जब मुझे पता है कि मेरे जो व्लॉग्स
रॉ इतने अच्छे जा रहे हैं, मगर रॉ विदाउट एडिटिंग विदाउट थंबनेल भी अच्छा जा रहा है. सो व्हाई वुड आई पुट एफर्ट्स. ये मत सोचो मैं हल्के में ले रही हूँ सबको, मैं ऐसा कुछ नहीं है. बात ये कि एग्जाम खत्म होगा करना क्या, मैंने यही तो करना बैठ के. तो इतना टाइम अपना हमने वेट करा है तो और कर लेते हैं ना. तुमको तो मेरी बातें सुननी है ना, कुची कुची गु वाली तो सुन लेते हैं ना. पहली चीज, अब सुनो मेरी बात. सेकंड, इक्विपमेंट. अब मेरे फोन में कॉलेज काम भी आता था. देन हाँ समझ गया ना. फिर घर वालों का कॉल भी आता था और एडिटिंग. फोन में स्पेस इशू. देन ब्रांड्स वांट्स क्वालिटी एंड गुड स्टफ. एंड इसमें आईपैड में क्या हो जाता है, इसमें एक फन है कि मैं इस पर कान लगा के भी काम करती हूँ कभी. एंड मैं पढ़ती भी चैट जीपीटी से लेके हर चीज इसमें आती है मेरा आईपैड में. ठीक है, अब पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, ऐसे तारीफ नहीं करना चाहती खुद की, बट आई एम वेरी इंटेलिजेंट एट दिस. मैं दिमाग को इतना लड़ा चुकी हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ दिखती है मेरी लर्न हो जाती है. मैजिक. अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे पता है मुझे मैनेज कैसे करना है. मैंने दो दिन बिल्कुल मस्ती करी, काम बम, अपने यूट्यूब का सारा काम सेटल कर दिया, इंस्टा का. अब पढ़ाई भी मैं बिल्कुल उस पर करती हूँ, पीसीज में, फ्रेगमेंट्स में करती हूँ, टॉपिक वाइज. जैसे आई सिक्स टॉपिक्स पढ़े मैंने, ये टॉपिक्स पढ़े, और मैंने वो रट्टाबाजी नहीं करती. मैं पढ़ती हूँ बिल्कुल क्या बोलते क्वालिटी कॉन्टेंट पढ़ती हूँ, देन मैं लिखती हूँ. देन अगर मेरा कोई इवेंट है, कोई स्केड्यूल है, देन उसको स्केड्यूल कैसे करना है. अगर मुझे पता है कि मेरे को चार दिन इंस्टा पे नहीं टाइम लग रहा पोस्ट करने का स्टोरी, तो रिकॉर्ड इट एंड देन पोस्ट इट. सीरियसली मैं एक दिन में 10 वीडियोज बनाकर छोड़ देती हूँ. ये एक स्मार्ट वर्क का भी है. और अब मेरा कभी कभी खाने का टाइम भी स्किप हो जाता है, और वो तो अच्छा मेरे दोस्तों तो खिला वाला देते हैं मुझे बाकी खा ले. एंड यूटिलाइज योर एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ, रिकॉर्ड एवरीथिंग. यू नेवर नो कब क्या कॉन्टेंट काम आ जाए. अब मैं बाहर जाती हूँ समटाइम्स, मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ और मैं वो पोस्ट भी करती हूँ बाबा एक्सप्रेस पे. अब ऐसा होता है कभी कभी सबके पास टाइम नहीं, तो मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं घर से रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ लोगों को, कि मेरा वो भी बैलेंस रहता है. आपको ये नहीं कि आप यूट्यूबर का अकाउंट मेरा देख रहे हो तो आप यूट्यूबर हो तो यही करना. आप इसको डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि मैंने 4 बजे आना है, कोई बहाना नहीं, मेरे को होमवर्क करना है, ना मुझे खेलने जाना, मुझे फोन चलाना है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी वेरी बैड. मतलब कि मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं बहुत फोन यूज करती हूँ, बट यू डोंट नो. बट कभी कभी फोन करके चले जाती हूँ घर छोड़ के, कुछ खाने पीने वॉक पे चली जाती हूँ. एंड मैं लिटरली दिन में 10,000 कदम चलती हूँ. एंड मैं डेली वॉक पे आती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है. एंड वेन एवर यू फील लो ना, देन रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर स्ट्रांग. एंड इफ यू वॉन्ट टू अर्न समथिंग यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि आपको काम करना है. कोई पक्के पकाए फुलके नहीं खिलाएगा, आटा तो पीना पड़ेगा ना, आटा तो ले जाना पड़ेगा ना. अगर आप इतने सफिशिएंट हो ग्राइंड करने के लिए खुद को, तो ही आप इतना मल्टीपर्पज चीजें करना ताकि आप बैलेंस कर पाओ. सीरियसली दिस इज माई होल रूटीन. मैं ऐसे काम करती हूँ ना. एंड प्रायोरिटाइज करना. इफ यू आर हैविंग अ वर्क एंड समवन इज मीटिंग यू, मिलने आ रहा हो आपको ऐसे एग्जाम्पल, तो उसको भी टाइम देना, काम भी करना. अगर आपको क्लोज वन होगा तो आपको शायद वो वर्क फ्रॉम होम भी करने दे, आपके साथ भी काम कर दे. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं काम करती हूँ एंड माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी टू गेट फ्री. एंड रियल पर्सन एंड रियल पीपल आर नॉट, मतलब कि आपको वो कभी डिमोटिवेट फील नहीं कराएंगे, आपको टाइम देंगे. और सबसे मेन चीज़ यह है कि आपको खुद पर भरोसा करना है. कोई आपको कुछ भी बोला, वो कंटेंट क्रिंज है, गंदा है, ब्ला ब्ला, आप गंदी पढ़ाई कर रहे हो, आप गंदे करके हो, आप वो हो फलां, तो लड़की गंदी है, आपको विश्वास नहीं करना. वो आप घर के कपड़े नहीं धो रहे हो, आप कच्चे नहीं धो रहे हैं. सीरियसली वो बर्तन नहीं धो रहे तुम्हारे घर के, तुम धो रहे हो, तुम्हारी मम्मी धो रही है, तो उनका मैटर करता ओपिनियन. और घर के काम भी करवाती हूँ मैं, दोनों बार मैं करवाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं करवाती. बट दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन कि मैं कैसे काम करती हूँ, मैनेज करती हूँ. आपको सारा टाइम यूटिलाइज करना है अपना. सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ मैं अराउंड, फिर मैं उसको करती हूँ रेस्ट, फोन चलाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ, पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ. पोस्टिंग का भी एक टाइम होता है ब्रांड्स के लिए, ब्रांड्स को प्रॉपर एक टाइम देना होता है कि इस दिन ही आना, उस वाले में नहीं आने वाली ना, उसके बाद आने वाली. एंड कंटेंट का भी है कि मैं कंटेंट इस दिन डालूंगी, इस दिन नहीं डालूंगी. आपको चीजें क्लियर रखनी पड़ती है. अगर आपको किसी के पास नहीं काम करा, मत करो. आप में आपको फोर्स मत करो. ये चीजें तब मैनेज होती है जब आप खुश हो दिल से. और आई लव डूइंग दिस वर्क. अगर आप काम में खुश नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. सीरियसली बोल रही हूँ. एंड आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, हेल्दी फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, वाटर पीना पड़ेगा बहुत सारा. हाँ मैं ऐसे काम करती सारा. तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई लाइफ एंड दिस इज माई ऑनेस्ट. अगर आपको और टिप्स चाहिए तो पार्ट टू देखेंगे. बाकी आई एम लुकिंग प्रीटी, आई नो आई एम लुकिंग प्रीटी. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग.
लविंग माई वीडियोज एंड ट्रस्ट मी एंड आई वॉन्ट आप सबको वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं कोई मैरिड पर्सन, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने बहनों को दिखाओ कि दिस इज हाउ यू कैन वर्क मल्टीपर्पजली. बाय, टेक केयर, थैंक यू.